लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों के खातों में डीबीटी से भेजे 175 करोड़ रुपए। अमेज़न को राहत देने का संकल्प हो रहा साकार। मुख्यमंत्री, प्रदेशभर के लगभग 42,000 पशुपालक लाभान्वित। जयपुर नागौर 16 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से पशुपालकों एवं किसानों को अधिकतम राहत देने का संकल्प साकार हो रहा है। श्री गहलोत शुक्रवार को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लंपी महामारी के दौरान राज्य में कुशल प्रबंधन किया गया। लंपी महामारी में दुधारू गौवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने की घोषणा बजट में की गई। इसके क्रियान्वयन में आज प्रदेशभर के पशुपालकों के खातों में प्रति परिवार 2 दुधारू गौवंश के लिए 40-40,000 रुपये डीबीटी द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस वर्ष लंपी महामारी से बचाव हेतु 68 लाख से अधिक गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करीब 41,900 पशुपालकों के खाते में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा किया जा रहा है। गौशालाओं को 9 माह व नंदीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक गौशालाओं को लगभग 2,500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया चुका है। राज्य सरकार के निर्णयों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद। कार्यक्रम के दौरान श्री गहलोत ने प्रदेश के नवगठित जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया। खैरथल से श्रीमती हेमलता एवं सुदेश कुमारी, नीमकाथाना से श्रीमती आंची देवी एवं कमला देवी, कोटपुतली से श्रीमती भगवती देवी एवं सुनीता देवी, केकड़ी से श्रीमती शोभा एवं मनीषा कुमारी, ब्यावर से श्रीमती आमना काठात एवं साबू, कुचामन से श्रीमती गीता देवी एवं फूसी देवी एवं शाहपुरा से श्रीमती सोना देवी एवं कस्तूरी देवी ने संवाद के दौरान लंपी रोग में मृत दुधारू गायों के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके खातों में आई सहायता राशि से वे नए पशु खरीद सकेंगे, जिससे उन्हें घर चलाने में सुगमता होगी तथा बच्चों को बेहतर पोषण मिल सकेगा। इस अवसर पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का नए जिलों के गठन के लिए आभार व्यक्त किया। श्री गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना से अमेज़न को 8 रुपये में पौष्टिक भोजन प्राप्त हो रहा है। घरेलू उपभोक्ताएं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड बांटे जा चुके हैं और 1.55 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। टाउन हॉल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने जिले के 5,080 पशुपालकों को वितरित की 20 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता राशि। जिला स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर 16 जून को सुबह 11 बजे टाउन हॉल में आयोजित किया गया। जयपुर के JECC सीतापुरा में आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जिले के 5,080 पशुपालकों को उनके खाते में 20 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित की। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक महेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला मुख्यालय नागौर सहित मुंडवा, खींवसर, जायल, डेगाना क्षेत्र के 500 से अधिक पशुपालक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर नागौर क्षेत्र के 3,390 पशुपालकों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के अतिरिक्त डीडवाना व कुचामन में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री ने जिले के लाभार्थियों से किया संवाद। राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता राशि वितरण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नागौर जिला मुख्यालय सहित डीडवाना व कुचामन सिटी में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पशुपालक वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने पशुपालकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने के बाद कुचामन सिटी की महिला पशुपालक गीता देवी व फुसा देवी तथा
डीडवाना की महिला पशुपालक लाभार्थी पूजा शर्मा व दुर्गा देवी से संवाद कर उनके खातों में राशि प्राप्त होने के बारे में जानकारी ली। इस दौरान लाभार्थियों ने डीडवाना कुचामन को जिला बनाने पर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशिक्षु IAS रवि कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, उपखंड अधिकारी सुनील पनवार, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार मीणा, SEO दलीप कुमार, जिला रसद अधिकारी अंकित पचार, कृषि विभाग के शंकर राम बेड़ा, नगर परिषद सभापति पायल गहलोत, पूर्व विधायक हबीर बुरहमान सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं हनुमान बांगड़ा, हीरालाल भाटी, दिलफराज खान तथा सैकड़ों की तादाद में पशुपालक मौजूद रहे। परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का
सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा